हेलो पुलिस, राहू फतेहाबाद थाने से बोल रहे हो ना? मैं एक दुखियारी पति बोल रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत मारती है, चप्पल से मारती है, थप्पड़ों से मार मार के गाल लाल कर देती है, टांग खींच खींच के मारती है। सर मुझे बचा लो सर, मेरी बीवी को जेल में डाल दो प्लीज। हमें FIR लिखवा दे, आ जाओ नाम क्या कर रहे हैं? गाड़ी लेके आ जाओ, उसको जेल में डाल दो। अरे ये हाथ पकड़ लिया सर, इसे मेरे हाथ बोल दिया। पहले बाहर उसे भाग ली थी, घर से भाग ली। मैं गार्ड को ही बोल देता, तेरी बीवी को पकड़ ले, भाग रही है तो और बदनाम होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों आज रंजा मैं प्रैंक करने वाला हूँ कि बीवी के खिलाफ की पुलिस में FIR। तो दोस्तों देखते हैं रंजना के रिएक्शन क्या होते हैं। 100% रंजना डर जाएगी जब उसको पता चलेगा कि पुलिस की गाड़ी आ रही है रंजना को पकड़ने, जेल में डालने के लिए। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पे जो है तो फॉलो जरूर करना, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो फेसबुक वालों। चलो मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो हेलो पुलिस। हेलो, हाँ सर मैं आपके पास बहुत देर से फोन कर रहा हूँ। फतेहाबाद थाने से बोल रहे हो ना? क्या कर रहे हैं यार तू? मैं एक दुखियारी पति बोल रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत मारती है, चप्पल से मारती है, थप्पड़ों से मार मार के गाल लाल कर देती है, टांग खींच खींच के मारती है, पलंग के नीचे घुस जाता है छुपने के लिए, उसमें अंदर घुस घुस के मारती है। ये क्या बात करता है यार? हाँ सर मुझे बचा लो सर, मेरी बीवी को जेल में डाल दो प्लीज, उसको सजा दो। हमें FIR लिखवा दे, आ जाओ। नाम क्या कर रहे हैं तुम? प्लीज गाड़ी लेके आ जाओ, इसको जेल में डाल, जेल में डाल दो। हाँ सर मार रही है, हाथ पकड़ लिया सर, इसे मेरे हाथ मोड़ दिया। नहीं किया मैंने यार वैसे ही। नहीं सर आप देखोगे ना बहुत डायन है, बहुत लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी है, ऐसा लगेगा थली के खानदान की है बहुत। हाँ आप आ जाओ मुझे बचाने। मैं आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ फतेहाबाद रोड पे, है ना? बहन डर गई, बहन डर गई। फतेहाबाद रोड, हाँ मैं कॉलर नहीं बता दी, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज सेंड कर दे रहा हूँ। हाँ आप आ जाओ। क्या कर रहे हो? मेरे को मारती है ना? क्यों कर रहे हो? क्या कर दिया मैंने? पुलिस बुला रहे हो, कंप्लेंट कर दी तुमने मेरी। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, चक्की चलवाएगी, आटा पिसवाएगी मुझसे। क्यों करूं? अब देख तू, ऐसी बात नहीं है है कि बीवियों के प्रति हिंसा करो तो ही पुलिस संग देती है, पति के खिलाफ भी अगर बीवी ये कर हिंसा करेगी ना तो पुलिस बीवी को भी जेल में डाल देती है। मेरे को आज ही दोस्त ने बताया मेरे कि तू क्यों नहीं करवा रहा है। ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। मैंने क्या, दोस्त ने बताया मेरे को, आंखें खोल, पुलिस की सहायता ले। तो दोस्त ने तुमको भड़का दिया और तुम राजी हो गए? तुम मेरे लिए कंप्लेंट करवा रहे हो अपनी बीवी के लिए? हैं सात जन्म के रिश्ते नाते सब तुम भूल गए? तुम वाह दीदी वाह दीदी, कंप्लेंट कर पा रहे? पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, डंडे मारेगी। अरे एक महीना सजे काट तब तुझे सजा मिलेगी ना, एक महीना जेल में काट। अरे यार अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, एक महीना यार मुझ पे ना रहा है भैया, माफ कर दो मुझे, मेरी गलती हो गई। मैंने अबे चल हटे, तेरा तीसरे दिन पर वही चीज है, देख ले अभी भी तो गुस्सा कर रही है। तेरा मन में आया था तू मेरे को जेब फेंक मार देगी, हटे मुझसे दूर रह तू। मेरे खिलाफ अभी तो मैंने कोई मारा भी नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है। क्यों नहीं मारा है? कितना मारती है और क्या मारेगी, बिल्कुल चटनी बना देगी पीस पीस के। मेरे दोस्त जैसे हो, मेरे पति हो, मैंने मार दिया थोड़ा बहुत तो क्या हो गया, सहन कर लेना चाहिए ना। हेलो ये डायलॉग मैंने शादी के अगले दिन बोला था, मैंने तुझे जब तू घर पे आ गई थी कि मैं तुझे दोस्त की तरह रखूंगा, ये है वो सिर्फ इसके लिए कि तू क्या कहते नहीं स्वागत वाले दिन थोड़ा शर्म हरा पर्दा से हटा दे। तू तो बिल्कुल ऐसी दोस्त नहीं बनेगी, ये बिल्कुल दोस्त की तरह घूंचे मार रही, लात मार रही है। तुम्हारी गलती थी ना, तुमने बोला दोस्त बन के रहे, तो दोस्त बन के रह रहे तो पीटेंगे थोड़ा बहुत, क्या होगा दोस्तों में तो चलता है इतनी लड़ाई झगड़ा। तो उस चीज में तो तेरा शर्म पक्का पर्दा हटा नहीं, उस चीज में तो तू अभी भी उतनी शर्माती है, पर इस चीज में तू इतनी बन गई तू है। कंप्लेंट वापस ले लो, पुलिस ले जाएगी पकड़ के। मेरे पास मत आइए, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, काय का नाम खराब हो जाएगा, नाम बदनाम हो जाएगा, काय का नाम, पति के नाम से नाम बनता है तेरा, चल निकल ले, पति को पीट पीट के नाम खराब कर रही है तब तेरा नाम बदनाम ही होगा। इतनी खुशी एक महीने के लिए तो तू बंद रहेगी, मुझे नहीं मालूम। मेरे दोस्त ने पहले ही मुझे बोला था कि तेरी बीवी तेरे हाथ जोड़ेगी, पैर पड़ेगी, पर तू पीछे नहीं हटेगा, उसके खिलाफ एक बार FIR कर दे
जिसकी वजह से जिंदगी भर वो उस चीज से डरेगी। क्यों? मैं थोड़ा सा रहूंगी, फिर कभी देख लेना। मत रह जा। अरे बात क्या, यही रंग दिखाया तुमने अपना? जा। मेरे पापा गुस्सा करेंगे मुझे, उनकी बदनामी नहीं होगी। तू मुझे मारती है, तुम्हारे खानदान की बदनामी नहीं, तेरे खानदान की बहू पुलिस में जा रही है। जब तू मुझे मारती है तो मैं भी तेरे हाथ पैर पड़ता हूँ। रजनी, मजाक नहीं करूंगा, मजाक नहीं करूंगा, प्रैंक नहीं करूंगा। कभी कितना मारती है, छोड़ो पुरानी बातें यार, छोड़ो, कंप्लेन वापस ले लो। आज कुछ भी रहते हैं, मिल ब्रेड के प्रेम से, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कुछ। अब आए ना लाइन पे, अपने प्यार से लिलिपुट कर रही है। एक बात और सुनो, तुम प्रैंक करते हो इसलिए पिटते हो, पिटते हो ना, मुझे इरिटेट करते हो। प्रैंक के अलावा भी तूने खूब मारा है, तो ऐसे तो तुम भी मार लेते हो मुझे। बात तो सही है। मैं तो इतना मारता हूँ। ओ भाई साहब, इसके नीचे मुंह दबा के पेट में मार रहा, पचवाड़े में मार रही है। बहुत खतरनाक होती, बहुत मुझसे भी तगड़ी तगड़ी है, तो ये ऐसे उठा के मारेंगी ना, कहीं नहीं भागे, यही बैठ, यही बैठ। अच्छा भला, अब पुलिस की गाड़ी अभी इधर से आएगी, यही प्यार, यही रात। पुलिस की गाड़ी अभी इधर से आएगी। हाँ, गाड़ी 11th फ्लोर पे ऊपर चला जाएगी, आ जाएगी। पुलिस की गाड़ी अभी आएगी तो पुलिस वाले इधर से ही ले जाएंगे ना। बस मैं तो करूँ ले जाए, जाएगी तू, लंबी जाएगी तू। अब तेरे पीछे मैं एक महीने ना, मेरा घर ही मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा जब तू नहीं होगी ना। ये घर ही मेरे को गोवा की फीलिंग्स देगा। इस आदमी के इरादे खराब है, मुझे पता है तुम्हारा ना कोई इरादे खराब नहीं है। पुलिस में भेज के ना, तुम्हारा कुछ चल रहा है, तुम्हारी कुछ प्लानिंग है। कोई नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। जब तू नहीं रहेगी ना, तो यही मेरे लिए थाईलैंड, यही मेरे लिए नागालैंड, यही मेरे लिए फलाना ढोकला। ये आदमी तो मेरे मेरे रहमो करम पे जी रहा है, इसको मैं अब मुझे नहीं मार रही, मैं कंप्लेंट नहीं करूं। तो तू मुंह को चला रही है, तो चला रही है इतना मुंह। अभी भी तो डर नहीं लग रहा तेरे खिलाफ? पुलिस में FIR करके जो मुझे खुशी मिली है ना, ले लो कंप्लेंट वापस, ले लो। नहीं मारूंगी आज के बाद, काली कसम, नहीं नहीं मारूंगी। अब हट, तेरी बात पे यकीन करूंगा। तुम्हारे जैसे लोग पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, पुलिस के आने का इंतजार कर रहा हूँ, जब तक मेरा दिमाग मत खराब कर। बस चुपचाप बैठ, अब तू मजा देख, मजा, अब तू मजा देख। आ जा रही, मैं भाग रही हूँ। ओके, पहले भाग भाग रही। कोई बदनामी नहीं होगी सोसाइटी में, इस बात की तू चिंता छोड़ दे, कोई बदनामी नहीं होगी तेरी सोसाइटी में। मैंने पुलिस वालों को पहले ही बोल दिया है कि तेरे का मुंह पे ना ऐसे कपड़ा रख के लपेट के ले आएंगे, ऐसे करके, ठीक है? बस तेरा मुंह छुपा के, ठीक है, ठीक है, तेरी बदनामी नहीं होगी, बेइज्जती नहीं होगी, तेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा। लोग बस यही सोचते रहेंगे कि किसकी बीवी को पकड़ के ले आ रहे। पर हाँ, अगर ये हमारे अगल बगल में जो 3 फ्लैट रहते हैं, इन्होंने देख लिया और ये इन्होंने बता दिया, ऐसा करता हूँ, चल तो ये नीचे से ही पकड़ा दूंगा, चल पकड़वाना ही सही है, तेरे को पकड़वाना ही सही। बोल दे दिया, मारूंगी नहीं, मारूंगी नहीं। अब तो कंप्लेंट वापस करने नीचे गया है और लिखित पे दे दो, उस टाइम पे अभी भी मारा तुमने, अभी भी तुमने मुझे, मुझे नहीं मारा, देख ले, देख लिया, पुलिस को मना कर दो क्या, तो अभी भी मार रही है। अब तेरे में मैं पड़वाऊंगा सैंडल पड़वाऊंगा तुझे, पुलिस वाली जब तुझे सैंडल मारेंगी ना अपनी एड़ी वाली, तू तगड़ी कर देंगे, तो मार, तुम यही चाहते हो।
क्या चाहता हूँ, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। पापा को फोन करती हूँ, भाई बचाएंगे मुझे। तेरी मम्मी पापा के है? अरे चुपचाप से। क्यों? मैं अपने पापा को मिलाऊँ? तेरे पापा को मैंने बता दूंगा, ठीक है? तुम क्या बताओगे? वो मैं बोलूंगा अभी तुरंत आ जाएंगे, वो मुझे जाने ही नहीं देंगे पुलिस में। हट जाओ। अब तो बैठे यहीं पर बैठे, ये खाने पीने की टेंशन मत करियो। बबली वैसे भी आगरा आई हुई है, खा जाए। मेरे को इतना चक्कर है इसीलिए तो मुझे फंसा रहे हो तुम। आ गई अपनी पुलिस को आके। तो मैं भी तैयार हूँ। मैं इस आदमी का ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसलिए ये मुझे झूठे केस में पुलिस में भेज रहे। कितनी सारी प्रैंक वीडियो है, ठीक है, उसमें दिखा दूंगा मैं। कितनी मैं बोल दूंगी कि इस प्रैंक में इन्होंने मुझे परेशान किया है। कितनी सारी प्रैंक वीडियो दिखा दूंगा, देखो कितना मारती है, सबूत है। मैं कह दूंगी ना, उसमें प्रैंक भी तो तुमने मुझ पर किया, मुझे परेशान किया है, तो ये भी तो वीडियो बन रही है। इसमें मैं दिखा दूंगा तुझे कि देखो कैसे, जब मैंने आपको पुलिस की धमकी दिखी तो इसने कही कि मैरिट अफेयर चल रहा है, मैं इस बात को बोल दूंगी पुलिस को। कैमरामैन बन जा, लोकल छोड़ के। ये आदमी ना हमेशा कैमरा ठोककर रहता है हर जगह। क्या है, कहाँ ठोका? बोल तो रहे हो वीडियो बना रहे हो। मैं बोल दिया और क्या। तेरी कितना छोटा प्रैंक बना है। प्रैंक के लिए वीडियो बना रहे थे। हटिया, पैसा बर्बाद बहन। पुलिस कंप्लेन नहीं किया ना? नहीं करी दोस्तों, आज छोटा सा प्रैंक बना है। छोटा सा प्रैंक बनाया इसके लिए। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, आई होप आपको मजे आ गए होंगे। तो जैसा भी अच्छा लगा हो प्रैंक को लाइक शेयर कमेंट। चुप अब तो पता चल गया ना, मारा ना, सचमुच मैं कर दूंगा केस। आ दो काई बात कर। अरे उठना मुझे। और ठीक अपने, अरे जगह कम पड़ रही है, कोई जगह नहीं मिल रही उठने के लिए। ए भैंस। तो दोस्तों कैसा लगा प्रैंक कमेंट करके जरूर बताना, छोटा हो करोगे? देख लो दोस्तों, आप कमेंट करके बताना, रियल में होनी चाहिए एफआईआर। करवा दो, कर दो तुम, कर लो फोन। अब मैं बताऊंगी ये आदमी प्रैंक करता है। तू नहीं सुधरेगी है, नहीं सुधरे बिना मारे। नहीं चलो फ्रेंड, बाय बाय। शेयर करना मत भूलना, आप भी बहुत दिमाग खराब करते हो आजकल। वीडियो शेयर नहीं करते यार, फेसबुक वाले दिमाग खराब करेगा। चलो बाय। तब सब्सक्राइब करने के लिए तो कहती नहीं है, हाथ उठाने के लिए बड़े हाथ चल जाते हैं। मुंह चला लिया करने, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। है कर देना नहीं, ऐसे करो प्लीज मेरे सारे प्रिय सब्सक्राइबर, प्लीज सब्सक्राइब करो। सॉरी ऐसे करके बोलो, प्लीज सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर देना। बोलो रंजना, आई एम सॉरी। प्लीज रंजना, आई एम सॉरी, सब्सक्राइब के लिए अपील कर दो। अपील कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर देना।